नमस्कार, इस वीडियो में आप भूजल स्तर में आ रही गिरावट के बारे में अपनी जिम्मेदारी समझकर आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने की ओर कदम बढ़ाने को प्रेरित होंगे। वर्षा जल सहेजने के कार्य सरकारी कागजों और आंकड़ों में जारी है, परंतु बीकानेर संभाग की धरती जल से खाली होती जा रही है। ऐसे में कृषि प्रधान क्षेत्रों में मिनी फुआरा सिस्टम खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस तकनीक से 70% पानी की बचत होती है और सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए 75% तक सब्सिडी दे रही है। आप देखें ये पूरा वीडियो और इसे सभी किसानों तक जरूर पहुंचाएं। नमस्ते, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के मंच पर आज सभी किसान भाइयों का कपिला स्वामी मैं स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं यहां आड़सर गांव में, यहां एक खेत में मिनी फुआरा लगाया गया है। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि झुंझुनू में खेतड़ी और जो सिंघाणा इलाका है वहां पानी की कमी से ज़मीन बिल्कुल सूख गई है और आज वहां नहरी पानी से पेयजल की आपूर्ति करने की प्लानिंग सरकारों द्वारा की जा रही है। तो हमारे क्षेत्र में भी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी बचा सकें ऐसा कह रहे हैं कि जो मिनी फुआरा टेक्निक है इससे 70% तक पानी किसान भाई बचा सकते हैं और उपज है वो लगातार लंबे सालों तक, कई सालों तक आने वाली पीढ़ियां भी ले सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि एक चेतना का प्रसार हमारे क्षेत्र में हो, पूरे पश्चिमी राजस्थान में, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, सभी पूरे इलाके में अगर इस तरह से किसान भाई हमारे जागृत हों तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े। ये किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये लगा करके किस तरह से लगवाया और क्या इनको इसके फायदे नज़र आ रहे हैं। एक तो सबसे पहला तो नाम बताओ आप। नंदलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब नंदलाल जी, आप पहले ये बताओ सब पहला कि थन क्यों विचार आयो के थाने मिनी फुआरा लगवाना चीज है, थारे खेत वास्ते वो ठीक रेसी कटु मिली प्रेरणा? बजरंग जी बहुत मुगुनु मिली प्रेरणा। हमारा 7-8 गुण को खेत है, भी मैं लाइन लगे ज्यादा और भी मैं जमी बीजे थोड़ी हाँ ई बजू फुआरा लगानू और थोड़ी ताल में ज्यादा जमीन बीत जाए सोच कर लगवाया। खेत है आप रो और इर महीने बड़ी लाइन है भी दोरा हो रहा फुहारा लगवान खातर ई वास्ते वो लगाई हुआ है। बड़ो अच्छो काम करियो है क्योंकि पानी री बचत थाने भी महसूस हो रही है क्योंकि पानी री भी बचत हो रही है। हाँ, माने महसूस हो रही है पानी बचत हो रही है। इ मैं 3 दिनों खेत पूरो बीत जावे, बिया 7-8 दिन लाग जा, इ मैं 3 दिनों पूरो मार खेत बीत जावे। पानी ज्यादा खर्च हो पानी ज्यादा हो तो एक मेहनत भी पोरण भाई भी बा बा मेहनत कौन दे। अच्छा, बा लाइन तो फोरनी पड़ती। अब ई लाइन ने इन लाइन ने फोरनी तो रिको पड़े सीधा वाल वाल घुमाना पड़े। या भी मत तो करे नहीं भी बा आधी लाइन खट्टी से लानी है, आधी लाइन खट्टी से लानी जूं चाल जावे ओ भाई दो रे। एक तो लाइन फोरन रो झंझट कोनी और जट पानी देनो है बट ही लाइन ऑन करके ते पानी दे सको तो क्या लागे के फसल रे जकी उपज है बा यूं मिनी फुआराओं क्या हो रही है? ऐस तो लगे ही है अपन बारे उम्मीद ही है कि बा बजीमा बट फुआरन लगा जाना यू फसल बढ़िया सी। के जका दूसरा किसान भाई है बन भी आपरे खेत में वो लगवानो चाहिए जका फसल भी बढ़िया हुए और पानी रो बचाव भी होवे सारी चीजा है। मैं तो ये कहा ओ लगा ले एक तो आदमी और झुंझट मिट जावे फोर नालो और एक थोड़ी ताल में ज्यादा जमीन बीत जावे और ये सब भी सरकार दे है ना बिगो भी फायदा सके। सब्सिडी गवर्नमेंट जकी देवे तो बा थाने किया मिली थे के प्रोसेस करे वो भी थोड़ो किसान भाइयों बताओ ताकि बन पूरी जानकारी मिले। इमें फोटो का तो चीज है गिरदावली चीज है और बिंग फोटो वगैरह चीज है फाइल लागे इमें सीधे सामान्य आदमी तो 70% दे और महिला दे 75% कंपनी खुद ही देवे बटे इन बिन फिरा फारी करना को झंझट कौन दरी थाने सीधी फाइल देनी है और कंपनी खुद ही पूरा प्रोसेस कर सी। अच्छा, कोई महिला रे नाम अगर खेत है तो आपने कितनी मिली सब्सिडी महिला रे नाम है?
हमारे मेला का नाम है 75% सब्सिडी मिली। अच्छा, तो सब्सिडी रो जो को काम है वो भी कंपनी खुद ही करे सारो। अच्छा, और कोई विशेष मिनी फुहारा रे बारे में थे बताना चाहो तो? और तो मन तो एकदम बढ़िया बढ़िया लगे से ना, वो सोच वो करियो है। और भी खेत है थारे? हां, और खेत है। हां, तो बड़ी विचार करे हो के करे हो? वटे देख ठमर करा, दो तीन खेत कुआ और है। अच्छा, ना बम अब नुआ ही लग्या फुहारा। अच्छा, ये कारण हुआ देखने को भी अब भी बत और समझा दे रखा। हाँ। ओ है मारे रूबर्डो ने मान ना दूस दे मादी मुदी में रखना को पड़े नहीं बाजरा तब बस तरवाल फोड़ दिया ऐसा लुक जा। रोजाना जो भारतीय वैज्ञानिक हैं या और भी देशों में जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार जो खेती है उसकी उपज बढ़ाने के लिए और नई नई टेक्निक लेकर के आ रहे हैं। ये मिनी फुहारा पद्धति भी एक टेक्निक है जिससे पानी का बचाव हो सकता है। और जैसा नंदलाल जी ने बताया कि 8 चौकोर इनका 8 जो दिशाओं का जो खेत है, इस खेत में इन्होंने जो ये फुहारा लगवाया है इससे सिंचाई में इनको बहुत सुलभ इनका कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये बता रहे हैं कि इनको कोई आदमी नहीं रखना पड़ रहा है। मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर 80-85% अपन पानी की बचत कर सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा भी इस पे अनुदान दे है। अधिकतम 5 हेक्टेयर तक किसान भाई इसमें अनुदान ले सकते हैं और सामान्य किसानों के लिए 70% व SC ST महिला व स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए 75% इसमें अनुदान राज्य सरकार देती है।